दोस्तों, भारत सरकार ने एक बड़ी प्लानिंग करते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि भारत में करीब 4 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस रिसोर्स तैयार किया जाएगा। और चूंकि अभी तक भारत के पास कोई भी नेचुरल गैस रिसोर्स मौजूद नहीं है, इसलिए यह भारत का पहला नेचुरल गैस रिजर्व होगा। पहले सरकार सिर्फ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम पर फोकस कर रही थी, लेकिन अब अपने एनर्जी डिमांड को देखते हुए सरकार नेचुरल गैस रिसोर्स पर भी ध्यान दे रही है। तो चलिए जानते हैं कि सरकार ने नेचुरल गैस के लिए क्या क्या प्लानिंग की है, सरकार की योजना क्या है, नेचुरल गैस का यूज हम किस किस इंडस्ट्री में कर सकते हैं, और क्या भारत का यह नेचुरल गैस रिजर्व यूरोप और चीन के नेचुरल गैस रिजर्व को टक्कर दे पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पेट्रोलियम रिजर्व में बड़े बड़े टैंक के अंदर भारी मात्रा में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को स्टोर किया जाता है। ये रिजर्व ऑयल इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन स्थिति में यूज किया जा सकता है। जैसे अगर रशिया यूक्रेन वॉर में रूस भारत को ऑयल सप्लाई नहीं करता तो हमें ईरान जैसे देशों से महंगे दामों में ऑयल खरीदना पड़ता, चूंकि हमारे पास बहुत कम ऑयल रिजर्व मौजूद है। ठीक ऐसा ही नेचुरल गैस में भी हो सकता है, इसलिए भारत सरकार नेचुरल गैस रिजर्व बनाने पर जोर दे रही है ताकि जब विदेशों से नेचुरल गैस की सप्लाई रुक जाए तो हमारे पास पहले से नेचुरल गैस स्टोर हो। और गैस ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी हो सकता है, क्योंकि हर देश दूसरे देश से ऑयल गैस या कोई भी और चीज इंपोर्ट करते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कुछ लिमिट सेट कर दिया है कि हर देश के पास कम से कम 90 दिन का रिजर्व होना चाहिए। अगर किसी देश के पास 90 दिन का स्टोरेज नहीं है तो ऐसे आपातकालीन सिचुएशन में उस देश की महंगाई बढ़ सकती है, इंडस्ट्री बंद हो सकती है, यातायात का साधन बंद हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर विकसित और विकासशील देश अपने इंडस्ट्री को लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक सब कुछ के लिए क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम पर डिपेंड है। अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी 5 मिलियन टन ऑयल रिजर्व मौजूद है, जो कि बहुत ही कम है। इसके अलावा अमेरिका, जापान, चाइना जैसे देश भारी मात्रा में क्रूड ऑयल को स्टोर कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की टोटल ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी 1500 मिलियन बैरल तक की है। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो भारत में जितने भी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किया जाता है उसे टर्मिनल के जरिए देश के अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाता है, जहां कई इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। भारत के कुछ कोस्टल एरिया में एलएनजी सप्लाई किया जाता है, जो कि कतर जैसे देशों से भारत इंपोर्ट करता है। भारत के दहेज, कोची, ये सभी वो टर्मिनल है जहां की दूसरे देशों से आए ऑयल्स और नेचुरल गैस को सप्लाई किया जाता है। अभी भारत के एलएनजी टर्मिनल की टोटल कैपेसिटी 39.5 मिलियन टन पर ईयर है। हम विदेशों से जितने भी नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं उसे हम लगातार यूज कर लेते हैं और स्टोर नहीं कर पाते हैं। आज भारत एलएनजी गैस इंपोर्ट करने के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2023 में भारत ने 1.2 बिलियन एलएनजी गैस इंपोर्ट किया है। भारत ने जितना भी गैस इंपोर्ट किया है उसका 42% कतर से, 16% अमेरिका से, यूएई से 13% और भी कई देश शामिल हैं। अगर अभी की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अभी भारत के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि इंडियन ऑयल जैसे कई भारतीय कंपनियां इस नेचुरल गैस रिजर्व को बनाने में काम करेगी। भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक भारत की टोटल एनर्जी डिमांड का 15% आपूर्ति सिर्फ नेचुरल गैस से किया जाए। अभी भारत की टोटल एनर्जी कंजप्शन का 6% हिस्सा में ही नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है, लेकिन जिस तरह से सरकार नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है और भारत में नेचुरल गैस के रिजर्व बनाने पर जोर दे रही है, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही हमारे पास चाइना, अमेरिका, यूरोपीय देशों की तरह बड़े बड़े नेचुरल रिजर्व होंगे। इन सभी के अलावा सरकार बायोफ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे ही कई तरह के एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, क्योंकि फ्यूचर में जब क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा तो इन एनर्जी का यूज किया जाएगा। और गाइस, अभी से ही इसका असर देखने को मिल रहा है। अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ स्विच कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि 2030 तक पेट्रोल डीजल की डिमांड भी कम हो जाएगी। लेकिन गाइस, अभी की सच्चाई तो यह है कि इन्हीं नेचुरल रिसोर्स की वजह से हमारा देश चल रहा है, जो कि हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में भारत और कतर का विवाद हुआ था। ऐसे में अगर कतर गैस देना बंद कर देता तो हमारे पास कोई रिजर्व नहीं था, हम एलएनजी और सीएनजी गैस कहाँ से लाते हैं, इसीलिए नेचुरल गैस को रिजर्व करना जरूरी है। आई थिंक गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।